हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2021। 4 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा जी। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा जी ने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए हैं। पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया है और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। पुस्तक के बारे में बात करें तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट में 130 उद्धरण शामिल हैं जो आतंक से त्रस्त दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए तिब्बत पर दलाई लामा के विचारों के अलावा बढ़ते अतिवाद, ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड डालना पड़ता है जो कि 4 डिजिट का होता है, जो कि इसी वीडियो के बीच बीच में एक एक अंक करके बताया जाता है। पहला अंक है 9। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने अपना पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र प्राप्त किया है, यानी फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र CWCM पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसकी घोषणा 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाल ही में किसने HAL के दूसरे तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस आगामी एरो इंडिया 2021 से आगे की दूसरी प्रोटेक्शन लाइट का उद्घाटन किया है। HAL के साथ अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर किए जाने वाले सौदे से भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस के बेड़े और समग्र युद्ध क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने HAL के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हाल ही में किसको अलर्ट बींग आइकन अवार्ड मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AR रहमान जी। संगीतकार AR रहमान और सैदापेट हरिकृष्णन के सामाजिक कार्यकर्ता उन 14 लोगों में से थे जिन्होंने NGO अलर्ट द्वारा उनके अच्छे सामाजिक काम के लिए अलर्ट बींग अवार्ड्स 2020 का 4th संस्करण प्रस्तुत किया था। अपने वीडियो संदेश में श्री रहमान ने कहा कि अलर्ट जीवन बचाने के लिए एक आदमी को सशक्त बनाने में एक शानदार काम कर रहा है। हरिकृष्णन को COVID-19 राहत कार्य के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा जिला स्वयंसेवक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं AR रहमान जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। यह शब्द भाषा विशेषज्ञों कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगन फॉक्सल के एक सलाहकार पैनल की ओर से चुना गया है। इससे पहले 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। सेकंड पॉइंट नोट कर लें आप, सेकंड पॉइंट है 1 यानी कि 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद छोड़ने का घोषणा किया है, उनकी जगह किसको CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंडी जेसी। अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने ऐलान किया कि वह इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे
और उनकी जगह एंडी जेसिया जिम्मेदारी संभालेंगे। वे अमेजन की वेब सर्विस लीड कर रहे थे, जिसने कंपनी की नई तकनीक खरीदने और कंप्यूटिंग सर्विसेज आसान बनाने में अहम योगदान दिया है। एंडी जेसी ने साल 1997 में अमेजन ज्वाइन किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एंडी जेसी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयशा अजीज़। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज़ देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा मात्र 25 साल की उम्र में पायलट बन गई हैं। आयशा अजीज साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उस समय आयशा 15 साल की थी। इसके बाद उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली थी। फिर आयशा ने बम्बई फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं आयशा अजीज जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक डिंडा। भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। डिंडा ने भारत के लिए 13 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 12 विकेट झटके हैं। वहीं 9 T20 मैच खेलते हुए 17 विकेट लेने में सफल रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में डिंडा ने कमाल की गेंदबाजी की है। डिंडा ने 116 मैच खेलते हुए 420 विकेट लेने में कामयाब रहे। डिंडा ने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ज़्यादातर मैच बंगाल की ओर से खेला है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अशोक डिंडा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया। यह योजना मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के सरकार के अभियान का एक हिस्सा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम भी लॉन्च की है। चलिए आपको पंजाब के बारे में आते हैं, बात करें पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री वीपी सिंह बदनौर जी, कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम गोपी चंद भार्गवा जी। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। स्टेट रिवर इंदस यानी कि सिंधु। पंजाब एंड हरियाणा का कोर्ट चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मित्रा योजना जिसकी घोषणा हाल के केंद्रीय बजट में की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लॉथ्स यानी कपड़े। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा की एक योजना की घोषणा की। यह योजना प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अतिरिक्त शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आदि महोत्सव किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम इस वर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय स्तर जनजातीय उत्सव है और यह जनजातीय मामले मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ की एक संयुक्त पहल है। यह कार्यक्रम देश की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह 2017 से आयोजित किया जा रहा है। चलिए
चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्रीय बजट के अनुसार अस्थायी श्रमिकों को किस संगठन के तहत कवर किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ESIC। हाल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों को अस्थायी और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तथा श्रमिकों तक बढ़ाया जाएगा। सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी। उन सभी श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC द्वारा कवर किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी श्रेणियों में और रात में काम करने की अनुमति दी जाएगी। बात करें ESIC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आज का थर्ड पॉइंट आप नोट कर लें, थर्ड पॉइंट है 6। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है। बात करें फेसबुक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में भव्या लाल को महिला कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। बात करें म्यांमार देश की सेना ने तख्ता पलटकर एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। बात करें नेपाल देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना को ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। बात करें पहली ACI ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को कौन लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार। SpaceX ने कितने उपग्रहों को लॉन्च कर इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 143। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री का निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट पॉइंट 0 है यानी कि चौथा अंक 0 है।